कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब कौमी स्क्वाड से मुतमईन नहीं। बाबर आजम ने रमीज राजा को अपने तहफ्फुज़ात से आगाह किया तो इन्हें पैगाम दिया गया कि वो ज्यादा फोकस खेल पर रखें, खिलाड़ियों को इन आउट करवाने पर तवज्जो कम करें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब कौमी स्क्वाड से मुतमईन नहीं। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि कप्तान को आजम खान और शोएब मकसूद की टीम में सिलेक्शन पर एतमाद में नहीं लिया गया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मुतवक्का चेयरमैन रमीज राजा से मुशावरत के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया, जबकि बाबर आजम, फहीम अशरफ और फखर जमान को स्क्वाड में शामिल करने के हामी थे। ज़राए का कहना है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से बाबर आजम ने रमीज राजा को दो मरतबा फोन किया। रमीज राजा ने कप्तान की बात जरूर सुनी, लेकिन उन्हें पैगाम दिया गया कि ज्यादा फोकस खेल पर रखें, खिलाड़ियों को इन आउट करवाने पर तवज्जो कम करें।